विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, मेरा पहला सवाल आपसे यही था, इसका जवाब दीजिए। देखो जी, इस विधानसभा में आम मतदाता की ऐसी राय है, जिसने काम किया है वो अपना अधिकार लेंगे, वोट लेंगे, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं। अभी विधायक थे सचिन पायलट, कैसा काम किया उन्होंने? देखो, काम तो ठीक ठाक ही किया है, लेकिन क्या है, कुछ नाराजगियाँ हैं, उन नाराजगियों को अगर उस समय रहते दूर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बात हमने किसी ने बताई, अब आप बताइए नाराजगी क्या है? हैं, नाराजगी क्या है सचिन? अब वो नाराजगी आप कुछ समझदार हो, आपने भी मीडिया की बारीकी देखी होगी। अब आप जनता हो, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कल मैं लाइव कर रहा था तो सचिन पायलट के समर्थक मिले, सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो, आप बताइए क्या नाराजगी है यहाँ से? यहाँ पे जो नाराजगी है ना, तो एक ही नाराजगी है कि यहाँ पे पायलट साहब से जितने जोश से यहाँ से जिता कर भेजा था मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसके लिए पायलट साहब ने कोई ऐसा कार्यालय नहीं खोला जिससे आम मतदाता या आम वोटर्स उस कार्यालय में जाकर अपनी समस्या बता सके, इसलिए थोड़ा सा ठगा महसूस कर रहा है। तो इस बार परिवर्तन चाहोगे या फिर मौका दोगे? नहीं, एक बार देगी पब्लिक परिवर्तन, देगी एक बार मौका देगी पायलट साहब, फिर देगी, मौका मिलेगा, मिल रहा है। नाराजगी एक ही है या कई थी? एक ही महाराजगी है। आइए चाचा, आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? अल्लादिया खां। हाँ, अच्छा नाम है आपका, क्या काम करते हो? रेस्ट, आराम? मैं इलेक्शनों में ऐलान करता हूँ। किस चीज़ का ऐलान? इलेक्शन? नहीं, उम्मीदवार तो नहीं हो आप? उम्मीदवार हो क्या? नहीं, उम्मीदवार तो नहीं हूँ, ये बच्चा है हमारा। जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं ना, उनका अनाउंस करते हैं, एक टाइम था जो माइक में, उस टाइम में जब आप, तो ये मीडिया बाद में आया, उस टाइम में तो एक ऐलान होता था, एक डोपू हुआ करता था पुराने जमाने का, 50 साल पहले, और ये गली गली मोहल्ले साइकिल पे ऐलान किया करते थे। इसके लिए भाजपा या कांग्रेस? नहीं, दोनों पार्टी। पैसा दे मुझे उसी का करता था। रोजगार दे। मैं आपको एक बात बता दूं। आज इलेक्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, हो रहा है कई जगह, 2-3 जगह और, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, तेलंगाना है, हो रहा है। 40 मजदूर बेचारे सुरंग में फंसे हुए हैं, 5-5वां दिन है, खुदा बेहतर जाने उनको रोटी भी मिल रही है या पानी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और लोगों को अपने वोट मांगने की लगी हुई है, जगह जगह रैलियां कर रहे, वो बेचारे मौत से लड़ रहे हैं अंदर है। वोट उसे दो जो टोंक के लिए विकास करे। कौन कर रहा है टोंक का विकास? भाई देखो, मेरी बात सुनो, हमारे लिए तो मेहता बढ़िया है। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों भाई? ऐसा यूँ है कि वो टोंक का बाशिंदा है, टोंक का रहने वाला है, अच्छे बुरे की पहचान है। कहीं कार्यकर्ता तो नहीं हो आप उनके? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ वैसे तो, लेकिन हम दे साइकिल पे बाद में आएंगे। जी बताइए। वो टोंक का रहने वाला है, टोंक का बाशिंदा है, कभी भी उसको जाके हम पकड़ सकते हैं। 10 साल पहले जब वो MLA बना था तो हर तीसरे चौथे दिन अस्पताल में जाके चेक करता था अस्पताल को। नहीं, मेहता जी 4 साल पहले भी बोल सकते थे, ये मुद्दे 4 साल पहले भी उठा सकते थे। ये अब देखो, आपके विरोध काफी बात सुनो, मेरी बात इधर। जी, एक एक करके 3 लोग मिल चुके, आपके सपोर्टर किसके हो? मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, विकास का सपोर्टर हूँ। विकास के? हाँ, बीजेपी है ना। हाथ मत खेत, वरना मेरा भी दिमाग बहुत खराब है। आराम से, प्यार मोहब्बत, भाईचारे से रहो, भाईचारे से। क्या करा सचिन ने, ये बताओ सचिन ने क्या किया है? सुनिए, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, और खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? हम टोंक के बाशिंदे हैं, यही मरेंगे, यही दफन होंगे, और नेता हमारे आकर रहने वाला है, हमारा बेटा है, हम उसे अगर वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? आपको देना चाहिए, मैं चाहता हूँ। चाचा, आप अब भाई एक बात बताइए, आज दिन तक बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराया कि नहीं कराया, आप खुद बताइए। अरे बीजेपी हो या कांग्रेस, आपसे चाचा एक ही बात पूछ रहा हूँ, आपको चाचा वही मजदूरी करना है, बीजेपी हो या कांग्रेस, चाचा आपसे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।